तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 3.7 का प्रश्न संख्या यहाँ पर चौथा। अब ये जो प्रश्न है, जाहिर सी बात है दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक्सरसाइज है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही है, लेकिन ये शब्द समस्या है। शब्द समस्या है मतलब कुछ बातें बताई गई है, इसके आधार पर हमको समीकरण बनाने हैं। हमने क्या कहा, हमेशा हमने कहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब भी प्रश्न करो शब्द समस्या, तो उसमें सबसे पहले लास्ट देखो, यानी कि अंतिम देखो। अंत में यहाँ पर क्या कहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, समझो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि यहाँ पर कम से कम दो बातें तो हमको ज्ञात करनी होगी, क्या दो बातें हमको ज्ञात करनी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ही बात ज्ञात करना है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, दो बातें तो है नहीं, तो समस्या ये है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न जो है ना, इसमें कहा क्या जा रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। अब आ रहा है विद्यार्थी आ रहा है, देखो क्या क्या आ रहा है, एक तो विद्यार्थी आ रहा है, एक तो विद्यार्थी आ रहा है और दूसरा आ रहा है तुमको पंक्ति। अब यहां पर समझो बात को कि अगर विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करे तो कुछ ना कुछ एक पंक्ति में कुछ ना कुछ विद्यार्थियों की संख्या होगी और साथ ही साथ पंक्तियों की संख्या भी कुछ ना कुछ होगी। सपोज अगर हम मान लेते हैं यहां पर, चलो इसको मिटा ले, सपोज दो पंक्ति और एक पंक्ति में 1, 2, 3, 4, 5 विद्यार्थी है, तो दो पंक्ति में कितना विद्यार्थी हो जाएगा, दो पंक्ति में 10 विद्यार्थी हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमने कैसे ज्ञात किया, कुल विद्यार्थियों को संख्या हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक पंक्ति में है 5 विद्यार्थी तो दो पंक्ति में 2 से गुना कर देंगे तो दो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है ये हमारे पास आ जाएंगे। मतलब अगर हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या कक्षा में ज्ञात करना है तो एक तो हमको ज्ञात होना चाहिए एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, दूसरा टोटल पंक्तियाँ कितनी हैं, है ना। एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी था और टोटल पंक्तियाँ 2 थी, तो हमने किया पंक्ति एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या गुने पंक्ति की संख्या, तो कुल विद्यार्थी हमको निकल के आ जाता है। समझ में आ गया, दो बातें हमको ज्ञात करनी है यहाँ से, एक पंक्ति में कुल विद्यार्थी की संख्या और साथ ही साथ पंक्तियों की संख्या, तो यही बात हम मान लेंगे, ठीक है जी। याद क्या लिखेंगे, माना कि एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या ये हम मान लेंगे x, तथा कुल पंक्ति की संख्या ये हम मान लेंगे y, ठीक है जी। तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएगा, जरा ये बताओ कुल विद्यार्थी क्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी, तो दो पंक्ति में 5 × 2 पंक्ति की संख्या से गुना कर दिए, कुल विद्यार्थी आ गया। तो यहाँ पर एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x है, कुल पंक्ति y है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, xy हो जाएगी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, अब आ जाओ प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखो यहाँ से प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, मतलब विद्यार्थी तो कुल विद्यार्थी में कोई बदलाव नहीं होगा, कुल विद्यार्थी जो ये हमने एक्स वाई निकाला है ना, ये एक्स वाई रहना यही संख्या होगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि एक पंक्ति में यदि 3 विद्यार्थी हम बढ़ा दे, एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी बढ़ा दे, तो एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स है, हमने 3 विद्यार्थी बढ़ा दिया, तो पंक्ति की संख्या एक पंक्ति कम हो जाती है, तो एक पंक्ति कम हो जाती है, ये भी कुल विद्यार्थी की संख्या ही निकलेगा, सिर्फ हमने विद्यार्थियों की संख्या को कम ज़्यादा किया है, एक पंक्ति में कम ज़्यादा कर दिया है, एक पंक्ति में पहले x विद्यार्थी था, अब 3 विद्यार्थी और बढ़ गया, इससे पंक्ति की संख्या एक कम हो गई, और ये जो कुल विद्यार्थी निकलेगा वो पहले वाले कुल विद्यार्थी के बराबर ही होगा, ऐसा नहीं है कि अलग आ जाएगा, दोनों बराबर ही होना है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करते हैं सिंपली। तो यहाँ से x को y से गुना करेंगे xy प्लस में 3y, माइनस 1 को x से गुना करेंगे माइनस x, माइनस 3 बराबर में xy। अब xy को इस xy को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में होगा तो घट के 0 हो जाएगा, तो हमने हटा दिया इसको। अब दूसरी बात यहाँ पर देखे, इस दोनों को उठा के अपन इधर ले जाते, ये माइनस में x है, इधर आके प्लस में x हो जाएगा, ये प्लस में 3y है, इधर आके माइनस में 3y हो जाएगा, ठीक है जी। और ये माइनस तीन इधर तो रह ही जाना है, -3 इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा, ठीक है जी। ये हुआ तुम्हारा केस 1, स्थिति 1।
केस टू देखेंगे क्या कहता है। देखो गौर से यहाँ पर देखो, यदि पंक्ति में तीन विद्यार्थी कम कर दी जाए या तीन विद्यार्थी कम हो, तो पंक्ति में एक पंक्ति में एक्स विद्यार्थी, अब तीन विद्यार्थी कम कर दिया गया है, तो पंक्तियाँ दो पंक्तियाँ अधिक बनती है। तो यहाँ पर दो पंक्ति हम अधिक बना रहे, तीन विद्यार्थी कम किया, पहले पंक्ति की संख्या वाई था, अब पंक्ति की संख्या वाई प्लस दो हो गया, ये कुल विद्यार्थी हो गया एक्स माइनस तीन, एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या वाई प्लस दो अब है पंक्ति की संख्या, और ये एक्स वाई के बराबर ही होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करो, x को y से गुना करो एक्स वाई, माइनस तीन को y से गुना करो तीन वाई, दो को x से गुना करो यहाँ से दो एक्स, और तीन को y से गुना करो माइनस का तीन वाई, ये माइनस तीन वाई ना, दो को x से दो एक्स और माइनस तीन को दो से, तो माइनस छः बराबर में एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई फिर से कैंसिल, क्यों? क्योंकि एक्स वाई को उठाकर अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जीरो। तो ये हमारे पास बच रहा है दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर में, इस छः को उठा के शिफ्ट करें दूसरी तरफ तो प्लस में छः हो जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा समीकरण नंबर दो। अब समीकरण एक और दो को सॉल्व कर लो, लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से गौर से देखना, x माइनस तीन वाई बराबर समीकरण एक है, x माइनस तीन वाई बराबर में माइनस तीन, और दूसरा समीकरण है टू एक्स माइनस थ्री वाई, टू एक्स माइनस थ्री वाई और बराबर छः। अब अगर लुप्तीकरण विधि हम लगाना चाहे तो यहाँ पर गौर से देखो कि y का गुणांक पहले समीकरण में भी माइनस तीन, दूसरे समीकरण में भी माइनस तीन, मतलब गुणांक बराबर है, और गुणांक बराबर है और साथ ही साथ चिन्ह भी बराबर है, माइनस तीन माइनस तीन, इसका मतलब हमको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। ठीक है, घटाने पर घटाते हैं तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो ये चिन्ह हमारा बदल गया, तीन वाई से तीन वाई कैंसिल, क्योंकि तीन वाई ऊपर में प्लस है, नीचे में ऊपर में माइनस है, नीचे में क्या है प्लस है। अब देखो माइनस का दो एक्स है, ऊपर में एक्स है, तो माइनस का दो एक्स में से एक्स घटाएंगे तो माइनस का एक्स, और यहाँ छः में से तीन करेंगे तो छः और तीन कितना हो जाएगा माइनस नौ। क्यों छः तीन नौ? क्योंकि छः में यहाँ पर चिन्ह बदलाना, पहले प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस तीन ऊपर है, माइनस तीन माइनस छः माइनस नौ, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर यहाँ से निकला तुमको नाइन यानी कि नौ। एक्स का मान समीकरण एक में रख देंगे, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, एक्स माइनस तीन वाई बराबर माइनस का तीन। अब समझो बात को, एक्स का मान तो हमने नौ निकाला है, तो नौ यहाँ पर रख देंगे एक्स के जगह पर, तीन वाई बराबर में माइनस का तीन। अब नौ को दूसरी तरफ शिफ्ट करें, प्लस में नौ है, दूसरी तरफ जाके माइनस में नौ हो जाएगा, माइनस तीन वाई बराबर माइनस तीन माइनस का नौ, या माइनस तीन वाई बराबर माइनस का बारह, या वाई बराबर देखते हैं तो माइनस बारह बट्टे में माइनस तीन, माइनस से माइनस कैंसिल, तीन चौका बारह। तो यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू 9 आ रहा है, मतलब एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ये 9 निकल के आ रहा है। क्या लिखेंगे, एक पंक्ति में विद्यार्थी, ये हमने माना था x और ये निकला हमारा 9, और पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या ये हमने माना था y और ये निकला 4। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी ये हो जाएगा एक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या मतलब x और गुने कुल पंक्तियों की संख्या मतलब y, 9 गुने 4 बराबर में 36। तो कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कक्षा में है वो कितना है, 36 है। ये तुम्हारा प्रश्न संख्या 4 था क्लास 10 NCERT मैथ का एक्सरसाइज 3.7 का।